हेलो असल आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मसल्स के नेक क्या आ, नेक के मसल्स मसल्स के नेक के मसल्स क्या बात है सो so, नेक के मसल्स को आज हम पढ़ेंगे तो इससे हमारे पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट मसल्स हैं शुरू में एक हमारे पास जो एंटीरियर साइड पे एंटीरियर एस्पेक्ट के जो मसल्स आते हैं इस वीडियो में हम खाली वो डिस्कस करेंगे तो जो हमारे पास वर्टिब्रल आ, रीजन जो होता है नेक का Uh, वर्जीबल कॉलम का उसमें जो कि मसल्स होते हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें हम लिख लेंगे कि मसल्स ऑफ़ द नेक वर्जिब्रल रीजन तो उससे आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि अगर मैं सारे इस पर ऐड कर देता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती सबसे पहला हमारे पास हम पढ़ेंगे कि भाई कौन से कौन से मसल्स आए पढ़ने वाले हैं और उनके क्या क्या ग्रुप है तो सुपरफिशियल मसल्स ऑफ़ द नेक सबसे पहले सुपरफिशियल की ही कैटेगरी आती है जिसमें हमारे पास है प्लेटिसमा फिर इसके बाद में हमारे पास आता है स्टर्नो क्लीडो मस्टोइड जिसको प्यार से एस कहा जाता है फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं इंट्राहाइड अब हायोइड हमारे पास एक बोन होती है और बोन के नीचे जो मसल्स लगे हुए हैं वो इंट्रा हायोइड हैं तो इसमें हम देखने कौन से आते हैं स्टर्नो हायोइड आता है स्टर्नो थायरोइड आता है फिर इसके बाद थायरो हाइड आता है फिर आता है ओमोहाइड इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं कि भाई हाइड मसल्स कौन से होते हैं हाइड से क्या मुराद है हाइड से मुराद मुरादी है कि हमारे पास जो जो हाइड बोन के ऊपर मसल्स लगे होते हैं तो उनको हम कहते हैं हाइड सबसे पहला मसल आता है डायगैस्ट्रिक दूसरा आता है माइलो माइलोहाइड फिर आता है जीनीो हाइड फिर हमारे पास आ जाता है स्टाइलो हाइइड अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स हैं उनका पहला जो मसल हमने देखा प्लेटिसमा वो किस तरह का दिखता है तो ये आपके पिक्चर आ गई कि हमारे पास जो प्लेटिसमा है वो कुछ इस तरह का दिखता है हमारे क्लेविकल रीजन और आ, एक्रोमियम तक जो के है पूरे क्लेविकल को कवर करते हुए अब ज़ाहिर सी बात है इसकी अटैचमेंट एक्जैक्टली क्लेविकल बोन पे नहीं होगी क्लेविकल के जो फेशिया वगैरह उन सब पे अटैचमेंट है ये बहुत थिन मसल है और पतला सा मसल है एक तरह से कवरिंग है स्किन के नीचे ये समझ लें और ये सीधा जाता है ऊपर जो हमारा मैंडिबल है मैंडिबल के इनफीरियर साइड पर जो के लगा हुआ है और इसकी उसके जो कुछ फाइबर्स हैं वो हमारे पास लिप्स के कॉर्नर पर जा रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो मसल है ये एक्सप्रेशन में भी जो कहे हेल्प करता है एक्सप्रेशन बनाने में फेशियल एक्सप्रेशन तो यहाँ पे आपके पास औरजन देख लो कि लिटरेचर uh, क्या कहता है कि भाई क्लेविकल एक््रोमियल रीजन और सुपीरियर पोर्शन ऑफ द पैक्टोरिस मेजर एंड डेल्टॉइड मसल्स के फेशिया से भी अटैचमेंट है और इधर अपना बोन से भी अटैचमेंट है मल्टीपल जगहों से ये ऑरिजिन लेता है अपना इंसर्शन चीक पे है प्लस लिप्स पे है जो कि यहाँ टेक्स्ट में मेंशन नहीं है फंक्शन फेशियल एक्सप्रेशन फिर हमारे पास आता है नर्व सप्लाई जो कि हमारे पास क्या है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ़ फेशियल नर्व तो फेशियल नर्व की सर्वाइकल ब्रांच में जो कि हमारे पास जो फेशियल नर्व है वो इसको सप्लाई करती है नर्व सप्लाई एस सी एम में अच्छा नर्व सप्लाई की ये बात है इस तरह से हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो एक जनरल है तो अच्छी बात है मस्ट है कि एक रिव्यू होना चाहिए इसके बाद जो कि एट ऐट दी एंड आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसके अंदर सारे मसल्स जो कि है उस सर्टेन जैसे अभी हेड एंड नेक पढ़ रहे हैं तो हेड एंड नेक की एक वीडियो होगी नर्व सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक उसमें सारे मसल्स की एक साथ नर्व सप्लाई होगी तो उसमें आपको याद करने में आसानी होगी यहाँ पर आप खाली औरिजन इंसर्शन याद करते हैं एक्चुअली एस सी एम हमारा नाम से ही बता बता रहा है कि स्टार्टो स्टर्नो का मतलब यह है कि स्टर्नम और क्लीडो क्लीडो का मतलब यह है क्लेविकल और मेस्ट्राइड का मतलब है मेस्ट्राइड प्रोसेस तो इस ये उसके हो गए इंसर्शन और ऑरिजन की डिटेल्स जो कि नाम ही बता रहा है और यहाँ पे आप स्कल में भी देख सकते हैं कि आपके क्लेविकल से निकल के जाके मेस्ट्राइड में लग रहा है और साथ में उसका क्लेविकल से वो इसके फाइबर्स इतने बड़े हैं कि स्टर्नम पे भी जो के टच कर रहे हैं और अगर आप अपनी मुंडी को लेफ्ट की तरफ घुमाएं अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें तो आप अगर अपने नेक को फिर टच करेंगे तो आपको एक स्ट्रिंग लाइक जो गिटार की एक स्ट्रिंग होती है इस तरह से उभरी हुई तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकल रहा होगा आपके नेक पे तो उसको अगर आप पेल्पेट करेंगे तो वो आपका एस सी एम है और मैंने आपको बता दिया इंसर्शन अच्छा ये जो हमारे पास मेस्ट्राइड प्रोसेस होता है ये टेम्पोरल बोन का हिस्सा होता है टेम्पोरल बोन इज द बोन ऑफ द स्कल स्कल की बोन का एक पार्ट है जो कि मेस्ट्राइड प्रोसेस बनाता है तो इसलिए हम टेम्पोरल बोन भी लिख सकते हैं टेम्पोरल बोन का मेस्ट्राइड प्रोसेस ये भी कह सकते हैं फिर अगर आप इस मसल की सिंगल बात करेंगे एक मसल अगर एक्टिवेट होता है राइट साइड का या लेफ़्ट साइड का दोनों में से कोई भी एक तो जिस साइड का मसल एक्टिवेट होगा उसी तरफ रोटेशन होती है सही है तो ये इसका एक थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि जिस साइड का मसल एक्टिवेट होगा या मूवमेंट कराएगा तो उसी साइड पे जो कि है आपका हेड रोटेट करेगा सेकेंडली हमारे पास अगर दोनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो हमारे पास क्या होगी फ्लैक्जन हो जाएगी आपके नेक पे ये इसका फंक्शन हो गया नर्व सप्लाई देख लेते हैं इसकी एसेसरी नर्व और स्पाइनल नर्व जो कि इसकी नर्व सप्लाई होती है जो कि नर्व C1 और C2 और C3 से बनता है जो कि आपको नॉर्मल चार्ज के थ्रू आप याद कर सकते हो कि इसका नर्व रूट क्या है अब हम पढ़ने लगे हाईड बोन का इंट्रा और सुप्रा का स्ट्रक्चर तो उससे पहले हम सबसे पहले दिखा देते हैं हाई हाइट बोन क्या होती है वर्ट्रबल कॉलम के एंटीरियरली हमारे पास एक बोन होती है जो कि सीधा कनेक्ट करती है हमारी लैरिंग्स को तो इस बोन को हम कहते हैं हाई बोन यहाँ पे आपको तो हाई हाइड बोन की पिक्चर दिखा दी तो अब हम बात करते हैं कि हाईट इंट्रा हाई हाइट का सबसे पहला जो हमारे पास मसल है वो क्या है स्टर्नो हाई स्टर्नो हाई हाइट जो है जो हमारे पास नाम से ही बता रहा है स्टर्नम और हाई बोन पे जाके लग रहा है ऑरिजन स्टर्नम से और हाई हाइट मीनस हाई हाइट पर जाके इंसर्शन का लेकिन इन्फीरियरली क्लेविकल से निकला ठीक है इंसर्शन हाईट बोन अच्छा क्लेविकल और स्टर्नम अब आप बोलोगे तो स्टर्नम बोला है। तो क्लेविकल और स्टर्नम दोनों बिल्कुल करीब हैं अगर आपको याद हो एनाटमी तो और एक्सी के हमारा जो स्टर्नम होता है मैनेबरम होता है तो ये इन सब की एक्सटेंशन यही जो कि राइट साइड पे जाके क्लेविकल के क्लेविकल से जो के ज्वाइंट बनाते हैं तो स्टर्नो और क्लेविकलर ज्वाइंट अगर आपको याद हो तो ये जो है इस वजह से यहाँ पे क्लेविकल लिखा हुआ है हायोइड बोन और हमारे पास फंक्शन इसका क्या है डिप्रेस करेगा हाईड बोन को जब स्वेलोइंग गया आप बात करें जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरा लैरिंग्स थोड़ा सा डिप्रेस होगा या फिर अगर बोलें तो हाइइड बोन स्पेसिफिक करने के लिए तो वो इस मसल की वजह से हो रहा है और एंसर सर्वाइकैलिस अभी काफ़ी मसल बढ़ेंगे जो एंसर सर्वाइकेलेस जो नर्व रूट है उसी से जो के है ये सब इनर्वेट हुए में और ये कौन से है सारे एंट्राहायोइड सर्नोथायरोइड अब इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा हमारे पास आगे एक और आएगा जो कि स्टर्नो थायराइड एक मसल है और स्टर्नो हायरोइड मसल है तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा स्टर्नम से निकलेगा थायराइड काट लीजिए हमारे पास जो के आपका जो लैरिंग्स होता है उसके सुपीरियरली एक हमारे पास पड़ा हुआ होता है मतलब हमारा जो ये हाई बोन का एरिया इसी के अंदर पड़ा हुआ है तो हाई बोन की इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस जिसपे आपको हाई की जो बोन का बोनी स्ट्रक्चर है लैंडमार्क्स है वो थोड़े समझाऊंगा तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा एक्शन हम देख लेते हैं एक्शन में हमारे पास साइड से बात है नीचे से निकल के नीचे ही जाके थायरइड कार्टिलेज पर लग रहा है तो इसको डिप्रेस करेगा तो डिप्रेस करता है लैरिंग्स को लिंक कब जब उसको एलिवेट कर दिया जाता है आप स्वेलिंग स्वेलिंग करोगे तो आप स्वेलिंग में आपने जो कि उसको एलिवेट किया अब एलिवेट होने के बाद जब उसको वापस नीचे आना है तो नीचे आने में कोई मसल तो चाहिए ना हेल्प करेगा जो तो वो ये मसल है जो कि हेल्प करके उसको नीचे ले आता है सिमिलरली वोकलाइजेशन में भी ये इसी तरह से काम करता है कि एलिवेशन के बाद डिप्रेशन में हेल्प करेगा ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है ये देखें एंसर सर्वाइव इसका भी नर्व सप्लाई थायरोहाइड अब थायरोहाइड में हमारे पास क्या है ये हमारे पास इसकी जो ऑरिजन है वो थायराइड कार्टिलेज से होगा और हाइड बोन पे जाके इसकी अटैचमेंट है ये जो कहोइड से उसकी इंसर्शन है ठीक है तो जब हाईड भी मूवेबल बोन है तो जब दूसरे मसल उसको फिक्स करेंगे सुप्रा हाइड अगर उसको फिक्स करेंगे तो फिर ये किसको एलिवेट कर सकता है तो फिर ये लैरिंग्स को एलिवेट कर सकता है बाकी नॉर्मल फंक्शन इसका ये है कि डिप्रेस कर सकता है हाईवाइट को अगर ऊपर से हाईवाइट फिक्स नहीं है तो ये डिप्रेस करेगा अगर फिक्स है तो ये लैरिंग्स को उल्टा ऊपर उठा लेगा समझ गए होपफुली समझ रहे होंगे थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट है अच्छा हाइपोग्लोसल नर्व जो है हमारे पास है सी वन नर्व रूट के थ्रू हाइपोग्लोसल नर्व इसको जो के है सप्लाई देती है। फिर आता है फिर हमारे हमारे पास पास आता के अंदर सबसे पहली, पहली बात तो ये है। इस मसल में देखें ऊपर से लेके नीचे तक बीच में एक आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है इस वाइट पार्ट का क्या मतलब है इसका बीच में टेंडन है और टेंडन का मतलब ये हुआ कि इसके बाद डबल वैलीज है और डबल वैलीज हमारे पास ये जो डबल वैली बनती है ये कहा अटैचमेंट लेती है क्लेविकल और फर्स्ट पे अटैचमेंट लेती है जो की टेक्स्ट में लिखा हुआ है फिर हम बात करते हैं ऑरिजन की तो इसका ऑरिजन स्केपला से होता है और स्केबला की जो कि है आ, अगर आप बात करें तो मीडियल साइड पे जो कि एक स्केपुलर नॉच होता है स्केपलर नॉच पे आके जो ये लगेगा मैं मुझे वैसे एग्जैक्टली याद नहीं मेरे जहन में स्केपुलर नॉच जो कि मीडियल साइड पे हो सकता है कहीं लेटरल पे हो तो वो आप देख के कन्फर्म कर लीजिएगा मुझे कन्फर्म नहीं इंसेशन जो कि है हाईड बोन पे हो रही है इसकी और फिर इसके बाद ये इसका एक्शन क्या है डिप्रेस करता है हाईड बोन को हाईड बोन को डिप्रेस करता है अगर उसने एक दफा उसको एलिवेट कर दिया है तो एलिवेट हो एलिवेट हो गई ना अगर ऊपर वाले मसल एलिवेट करेंगे तो उसको डिप्रेस करने में इंफ्राहाइट मसल अक्सर हेल्प करते हैं तो अगर एक चीज़ ऊपर ही नहीं जा रही तो उसको कैसे मैं जो कि डिप्रेस करूंगा अच्छा एनसा सर्वाइकलिस क्योंकि ग्रेविटी तो उसको हमेशा नीचे ही लेके आ रहा है और नर्व सप्लाई की वही सेवास आई डोंउंसिएशन इज गुड Uh, देखिए इन्फ्राहाइड के सारे एंसर सर्वाइकलिस से हो रहे थे सिवाय एक मसल के जो कि हमारे पास नर्व से हो रहा था हाइपोग्लोसल अच्छा फिर हम आते हैं डायगेस्टिक जो कि मैं चार्ट में जो कि इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा नर्व सप्लाई को फिलहाल आप खाली ऑरिजन इंसर्शन में ज्यादा फोकस करें और किस तरह से मसल दिख रहा है इसको फोकस करें या आप देख रहे हैं अब आ जाए सुपराड सुप्राहड का मतलब ये है कि आपके हाईड बोन है उसके ऊपर सुपीरियरली जितने भी मसल्स uh, हैं उन सबको हम सुप्र हाईड कहेंगे सुप्रा हाईट में सबसे पहला हमारे पास आता है डाइगेस्ट्रिक मसल इसकी भी दो बैलीज होती हैं ये सामने जो कि मैंडिबल के, मेंडिबल के uh, uh, मीडियल साइड से जो कि अटैचमेंट लेगा और पीछे जाता है जाते हुए फिर नीचे हाईड बोन से अटैचमेंट लेता है और फिर वापस पीछे जाके मैस्ट्राइड बोन पर जाके इसकी अटैचमेंट होती है अब मैंने यहाँ पे अटैचमेंट 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 कहे अब देखते हैं इससे ऑरिजन कौन सा और इंसर्शन कौन है तो भाई जो आपका मेस्ट्राइड बोन वाला एरिया है वहाँ पे आपका ऑरिजन है और जो आपका मैंडिबल वाला एरिया है यहाँ पर भी आपका ऑरिजन है इस इसमें

तो जब ये इसको ऊपर लेके आ सकती है तो ये मैंडबल को भी नीचे लेके आ सकती है और मैंडबल हमारे पास जॉ की बोन है फिर इसके बाद नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो ये हमारे पास है एंटीरियर वैली जो कि है वो हमारे पास ट्राई जेमिनल नर्व से जो कि सप्लाई होती है जो कि मैंडिबुलर ब्रांच है और जो हमारे पास पोस्टीरियर वैली जो है जो कि पीछे की साइड पे जो मेस्ट्राइड प्रोसेस से निकल रही है उसकी नर्व सप्लाई फेशियल नर्व है फिर इसके बाद हमारे पास मसल आता है माइलोहाइट जो के है ये सामने हमारे पास जो मैंडिबल uh, है मैंडिबल के मीडियली साइड पे जो के सामने जो चिन जिसको हम कहते हैं चिन के थोड़ा सा लेटरली uh, बीच में से ना पूरा लेटरल है है ना पूरा मीडियल बीच में जो के पूरा एरिया आपका मिलता है उस एरिया के अंदर हमारे पास जो के है ये लगा हुआ है मसल और ये नीचे जाके कहा अटैच होता है इसकी अटैचमेंट जो के है हाईट बोन पे आती है लाइन ऑफ मैंडिबल अच्छा जो ये हाईड बोन पे आती है एग्जेक्ट हाईड बोन पे नहीं आती एक यहाँ से एक रेफी जा रहा होता है जो कि हमारे पास एक ग्रूफ टाइप स्ट्रक्चर है तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू बैंड का एक रेफी होता है उसके ऊपर जाके इसकी अटैचमेंट होती है अब इसका फंक्शन क्या होता है एलिवेट फ्लोर ऑफ माउथ और क्या कहता है हाईर्ड बोन को डिप्रेस करता है सॉरी हाईर्ड बोन को भी एलिवेट करेगा फ्लोर ऑफ माउथ को भी एलिवेट करेगा और मैंडिबल को जो कि डिप्रेस करता है मैंडबल को डिप्रेस करता है ये तो आपको ऑब्वियस नज़र आ रहा है लेकिन हाई वेट बोन को एलिवेट करता है ये भी आपको नज़र आ रहा है लेकिन फ्लोर ऑफ माउथ को किस तरह से एलिवेट कर रहा है ये जो कि है अभी मुझे भी समझ नहीं आया है पर मेरे ख्याल ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता होगा ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है तो ये असिस्टेंस के अंदर जो कि हेल्प करता होगा कि किस तरह से फ्लोर ऑफ माउथ को एलिवेट कर सके प्रेस के अंदर हमारे पास नर्व सप्लाई हो जाती है नर्व सप्लाई में हमारे पास क्या है ट्राई नर्व है वही मैंडिबुलर ब्रांच अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ये वाला बहुत आसान मसलर भी अच्छी लगी, से सीधा आपकी चिन्ह के जो के है, बिल्कुल सेंटर वाले एरिया से निकल रहा है मीडियल सरफेस ऑफ दिन और इनसेशन हाईड बोन पे हो रही है और पुल करता है हाईड बोन को एंटीरियरली पुल भी करता है बैंडबल को डिप्रेस भी करेगा और एलिवेट क्लैरिंग भी करेगा जो कि तीनों बातें हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ रही है क्योंकि उसका ऑरिजिन इंसर्शन ही इसी तरह का है सर्वाइकल नर्व भी आए हैं हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि इसकी नर्व सप्लाई है कौन सा मसल है जीनियो हाईवाइट या गीनो हाईवाइट इनके प्रोनाउंसिएशन भी बड़ी मुश्किल है yeah, अब हम आते हैं स्टाइलो हाइवाइट स्टाइलो हाइड हमारे पास जो कि है मसल स्टाइल प्रोसेस से निकल रहा है इसलिए उसका नाम स्टाइलो है स्टाइलो हाईवाइट स्टाइलो से निकलता है स्टाइलाइड प्रोसेस से निकल रहा है और पे जाके लग रहा है एलिवेट करेगा किसको लैरिंग्स को और इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास फेशियल नर्व है और स्टाइल प्रोसेस भी अगर आपको बताता चलूँ तो वो भी टेम्पोरल बोन का मसल है हो सकता है कोई बीसी में कौन से कौन से मसल हैं जो कि टेम्पोरल बोन से अटैचमेंट ले रहे हैं तो जो मैस्टाइड है और हमारे पास जो ये स्टाइलाइड प्रोसेस है इन दोनों से निकल रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है इन नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा नर्व्स भी पढ़ानी है इसकी हेड एंड नेक की और हमारे पास जो कि हाई एड बोन का एनेटमिकल लैंडमार्क्स जो कि हम देखेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है और अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं यहाँ पे हो सकता है आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू सपोर्ट माई एफर्ट अल्लाह हाफिज़